हे गाइस, हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मैं हूँ शाइनी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि आप घर पर एक ऐसा फेस पैक तैयार करेंगे जिससे आपके फेस में एक अलग सा ग्लो आएगा। इस फेस पैक को बनाने के लिए काफ़ी कम इंग्रेडिएंट्स लगते हैं, सो आप इजीली इसे प्रिपेयर कर सकते हैं। सारे ही नेचुरल इंग्रेडिएंट्स मैंने इसमें इस्तेमाल किया है, सो इसे मेन, विमेन, इनफैक्ट चिल्ड्रन सभी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। इस फेस पैक को बनाने के लिए सबसे पहले चाहिए कस्तूरी हल्दी। तो मैंने यहाँ पर एथ्री की कस्तूरी हल्दी इस्तेमाल किया है। आपके पास अगर कस्तूरी हल्दी नहीं है तो आप कच्ची हल्दी को पीसकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद मैंने एक्टिवेटेड चारकोल फेस मास्क इसमें ऐड किया है। ये है फ्रॉम द ब्रांड पर्ल ऑर्गेनिक। काफ़ी अच्छा फेस मास्क है, लेकिन अगर आपके पास चारकोल फेस मास्क नहीं है तो आप इस स्टेप को स्किप कर सकते हैं, या फिर आप चाहे तो इसके बजाय टोमेटो जूस को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एल्प्स कूलनेस का उपटन पाउडर मैंने यहाँ पर इस्तेमाल किया है। अगर आपके पास ये वाला पाउडर नहीं है तो आप इसके जगह बेसन इस्तेमाल कीजिए। फिर मैंने थोड़ा सा बीटरूट पाउडर और थोड़ा सा नीम पाउडर इस्तेमाल किया है। बीटरूट अगर आपके पास नहीं है तो आप उसे स्किप कर सकते हैं, ये उतना भी ज़्यादा एसेंशियल इन्ग्रीडियंट नहीं है। और अगर आपके पास नीम नहीं है तो आप ज़रूर उसे नीम के पत्ते को पीस कर इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चाहे तो सैंडलवुड पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस फेस पैक को आप रोज़ वाटर से मिक्स कर सकते हैं। मैंने बस नॉर्मल वाटर से ही मिक्स किया है। और अगर आपके फेस में टैनिंग की प्रॉब्लम है तो आप इसमें दही ऐड करके भी मिक्स कर सकते हैं। बस मैंने जो जो जगह पर मुझे चाहिए कि हाँ यहाँ पर थोड़ा सा मुझे इफ़ेक्ट चाहिए इस फेस पैक का, मैंने वही जगह पर इस्तेमाल किया है, लाइक माई टी जोन एंड माई चीक्स। तो अगर आपके होल फेस में प्रॉब्लम्स है तो आप इस फेस पैक को होल फेस में रख सकते हैं। और आपको इसे सूखने के लिए बस चाहिए 15 मिनट्स, तो 15 मिनट्स के बाद आप इसे नॉर्मल पानी से वॉश कर लीजिए एंड उसके बाद आप लोग देख सकते हैं रिजल्ट।